हेलो गाइस, तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एसुस जेफर्स जी गेमिंग लैपटॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, जिन्होंने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हमें सेंड किया गया एसुस की तरफ से रिव्यू करने के लिए, एंड इसे गेमिंग रिव्यूज एंड कम्प्लीट रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कुछ बॉक्स ऐसा देखने को मिलता है आपको, तो साइड से दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पे मॉडल नंबर देखने को मिलता है जो कि है GA502D। बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन दी गई है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस साइड बिल्कुल प्लेन है एंड यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का लोगो है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर देखने को मिलता है लैपटॉप, तो लैपटॉप का मैं रखता हूँ साइड पे, इसके बाद आपको उसके बॉक्स कंटेंट्स दिखाता हूँ। तो बॉक्स में इसमें मिल जाता है साइड पे पावर कॉर्ड, तो फिर रख देते हैं बॉक्स के अंदर ही। एंड दूसरे साइड मिल जाता है इसका अडॉप्टर, इसकी रेटिंग आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो उसे भी रखते हैं बॉक्स के अंदर। एंड मिडल में आपको देखने को मिल जाता है इसका यूजर मैनुअल गाइड जो कि इस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये यूजर मैनुअल गाइड्स हैं। उस लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिल जाएगा, तो जाके लेटेस्ट की प्राइस चेक कर लें। तो बॉक्स रखता हूँ मैं साइड पे, आते हैं लैपटॉप की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की। तो फ्रंट में जो बिल्ड क्वालिटी दी गई है वो पूरी एल्युमिनियम की दी गई है। एंड लैपटॉप के अंदर की बात करें तो अंदर प्लास्टिक यूज़ किया गया है, एंड बैक साइड पर भी प्लास्टिक यूज़ किया गया है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो लैपटॉप की ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको यहाँ पे वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे टू यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो दूसरी साइड बात करते हैं, यहाँ पे आपको चार्जिंग जैक, लैन केबल स्लॉट, एचडीएमआई पोर्ट एंड यूएसबी पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट एंड हेडफोन जैक। तो इस साइड बात करें तो यहाँ पे भी आपको दो वेंट्स देखने को मिल जाते हैं वेंटिलेशन के लिए, एंड यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। तो बैक साइड की बात करें तो पीछे भी एक वेंट दिया गया है, एंड यहाँ पे दो स्पीकर्स दिए गए हैं। तो मैं करता हूँ लैपटॉप का फ्लैप ऊपर एंड आपको बूट करके दिखाता हूँ, तो आप बूट स्पीड भी देख सकते हैं इसकी, फिर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। तो बिल्कुल क्विक बूट हो जाता है। तो बात करते हैं इस लैपटॉप की स्पेक्स की। इसके अंदर आपको जो सीपीयू देखने को मिलता है राइजन 7 3750H। एंड इसके जीपीयू की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 1660 Ti मैक्स क्यू वाला। और इसके डिस्प्ले की बात करें, इसके अंदर आपको 120Hz की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इसके कीबोर्ड में भी आपको व्हाइट कलर की बैक लाइट देखने को मिलती है। इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर आपको 512GB की SSD देखने को मिलती है। आप एक और SSD भी इसके अंदर लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको दो स्लॉट्स मिल जाते हैं M.2 के, जिसमें आप एक और SSD लगा सकते हैं। तो इस लैपटॉप के अंदर भी आपको आर्मी ग्रेड का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि Asus ROG Stick G में भी हमें देखने को मिलता है, तो जिसमें हमें परफॉर्मेंस मोड एंड टर्बो मोड भी मिलते हैं, एंड साइलेंट मोड एंड विंडोज मोड भी देखने को मिल जाता है। तो आने वाले इसके मैं गेमिंग रिव्यूज में आपको उसका परफॉर्मेंस मोड एंड टर्बो मोड टेस्ट कराऊंगा, एंड इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू भी आएगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।